हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे केक, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हम लोग अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं घर में, जैसे कि मेरी पीहू है, तो उसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो अब बाहर नहीं जाने की वजह से क्या कर सकते हैं, तो मैं उसको घर में ही केक बना के दे रही हूँ। तो मैंने एक हाइड एंड सीक का ये पैकेट लिया हुआ था बिस्किट का, और मैंने ये थोड़े से मैरीगोल्ड के मेरे पास पड़े थे तो वो भी मैंने लिए हैं, और इसको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाल लिया है मिक्सर जार में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। इसमें दूध मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस इतना ही डाला है कि अच्छा सा एक मतलब मिक्सचर रेडी हो जाए बन करके। तो बस, और क्योंकि ये थोड़ा ही मीठा था, मतलब मुझे थोड़ा सा मीठा पसंद है, और केक भी थोड़ा सा हल्का मीठा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग घर में बना रहे हैं, हमारे पास क्रीम वगैरह तो होती नहीं उतनी अच्छी जितनी बाहर की होती है। तो इस वजह से मैंने चीनी भी डाली थी, और उसके बाद मैंने इसको, आप देख सकते हैं, मैंने स्मूथ सा एकदम बना लिया है इसको मिक्सर जार में डालने के बाद, एकदम ही स्मूथ बन जाएगा, क्योंकि उसमें दूध ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो तो बिस्किट हैं। तो बस मैंने उसको बहुत ही अच्छे से कर लिया था पूरा मिक्स, तो कुछ इस तरह का बन करके हो गया है रेडी। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, सॉरी 1 चम्मच नहीं, मैंने आधा ही चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर। और अब मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से और एक ही तरफ को चलाते हुए मैं इसको कर लूँगी मिक्स। मैं एक ही साइड को चलाऊंगी गाइस, मैं मतलब ऐसा नहीं कि 1 चम्मच मैंने इधर किया तो दूसरा चम्मच मैंने उधर किया, बस मैं एक ही साइड को चलाते हुए और मैं इसको कर लूँगी मिक्स। और केक का नाम सुनते ही पीहू इतनी बेचैन हो उठी थी कि उसको बिल्कुल भी तसल्ली नहीं थी, वो मेरे आगे पीछे ही घूम रही थी। तो आप देख सकते हो कि मेरा बैटर बन के हो चुका है एकदम रेडी। मुझे हल्का सा थिक लग रहा था, तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा दूध और डाल करके मैंने इसको बहुत ही अच्छे से कर लिया है मिक्स। और वैसे भी आज सब घर ही में हैं, आप जानते हैं कि आज मतलब कर्फ्यू है, तो फिर उसलिए हम सब घर में ही हैं। तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ें ट्राई कर ली जाती हैं, वैसे रोज़ रोज़ घर में कौन रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड को तो नहीं छुट्टी मिली थी, वो तो मतलब ड्यूटी करके ही आए थे अपनी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को तो नहीं मिली ना छुट्टी, मतलब कोई छुट्टी वगैरह नहीं है उनकी, तो इसलिए उनको तो ड्यूटी करना ही था, लेकिन वो आ चुके थे, मॉर्निंग शिफ्ट थी तो वो आ चुके थे। और ये दोपहर का टाइम है, खाना वाना खाने के बाद हम लोग एकदम फ्री हो गए थे, तो वो जाके थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे, क्योंकि सुबह उनको जल्दी उठ करके जाना पड़ता है, मतलब 3:30 बजे ही उठ के उनको जाना पड़ता है ड्यूटी, तो इसलिए वो रेस्ट कर रहे थे। और मैं यहाँ पे ये बनाने आ गई थी। मैंने घी लगाया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है गाइस, क्योंकि मैदा डालने से ना ये बाद में, मेरे पास भाई बर्तन तो है नहीं, मेरे पास केक का बर्तन तो है नहीं जो केक टिन होती है, तो मैं तो इसी में बना रही हूँ। तो मैंने इसमें हल्का सा घी लगाया है, उसके बाद मैंने डाल दिया है हल्का सा मैदा, और सॉरी। तो बस अब अपने बैटर को इसमें मैं डाल रही हूँ, इसमें शिफ्ट कर दूँगी कटोरे में जिसमें मैंने घी लगाया था, और मैं इसको अच्छी तरह से निकाल लूँगी। तो सब लोग घर में होते हैं तो बनाने खाने का अपना ही मज़ा हो जाता है, अलग ही हो जाता है सब कुछ। तो बस इसको मैंने बहुत ही अच्छे से कर लिया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए पहले ही रख दी थी, उसमें मैंने नमक डाला है, और मैंने एक छोटी सी कटोरी रखी है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड है, लेकिन स्टैंड बहुत ऊंचा हो जा रहा था, मतलब मैं स्टैंड रख रही थी ना, तो ये फिर कटोरा बहुत ऊंचा हो रहा था, कढ़ाई के बाहर ही आ रहा था, तो इसलिए मैंने छोटी सी कटोरी रखी है, उसके ऊपर मैं थाली से इसको कर दूंगी कवर। और अब मैं इसे पकाऊंगी करीब करीब 45 मिनट्स तक। तो वहाँ पे हमारा केक जब तक रेडी हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैंने ये ली थी 2 डेरी मिल्क की चॉकलेट, जो आपने देखी थी सामने रखी थी, तो उन्हीं को मैंने हल्का हल्का तोड़ करके इसमें डाल दिया था। मैंने थोड़ा सा मेल्ट भी कर लिया है, वो मैं दिखा नहीं पाई, तो मैं इसको भी और थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रखूँगी, ताकि और अच्छे से ये बन जाए। 2 डेरी मिल्क की चॉकलेट ही मेरे पास थी फ्रेंड्स, तो जितना मेरे पास सामान था घर में अवेलेबल, उसी में मैंने ये केक रेडी किया है। और अगर अगर और अच्छे से बनाते तो भाई उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता, तो बाहर तो नहीं जा सकते थे ना, तो इस वजह से मैंने उतने में ही रेडी किया है। और बिलीव करेंगे नहीं आप, पता नहीं,
करेंगे कि नहीं करेंगे मुझ पे बिलीव, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स से और जो घर में अपने पास चीज़ें पड़ी रहती है ना, उसी में से बहुत ही टेस्टी केक बन के आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई हम लोग बाहर से अगर एक पेस्ट्री भी लेने जाते हैं, 35 की 45 की आती है, इतनी महंगी महंगी, वो भी एक पीस, तो यार इस तरह से अपना हेल्दी घर में बना करके हम लोग खा सकते हैं, वो सबसे अच्छा है। और ये केक मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और वो बहुत ही अच्छा बन गया था। तो आप देख सकते हैं कि बिना केक टीन के भी हम बना सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं डाल के देख रही थी तो मेरा ऑलमोस्ट केक रेडी हो चुका था, ये देखिए बिल्कुल भी बैटर लग के नहीं आया है और बहुत ही अच्छा बना था। तो बस अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ कढ़ाई से, क्योंकि कढ़ाई बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और ये भी बहुत ही ज़्यादा गर्म था। और मुझे प्रॉब्लम, मतलब मैं ये सोच रही थी ऐसा ना हो कि नीचे से चिपक जाए और ये निकले ही ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था बिल्कुल भी, नीचे से इतना स्मूथली निकल गया था कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो बस अब मैं इसको पलटने जा रही हूँ और देखिए इतना अच्छे से निकल आया है। तो इस तरह से बस मैंने इस प्लेट में पलट दिया था और ये देखिए कटोरा एकदम ही नीट एंड क्लीन था और ये हमारा एकदम स्पंजी, बहुत ही अच्छा केक बन के रेडी हुआ था। अभी गर्म था इस वजह से मैं आपको इतने अच्छे से दिखा नहीं पा रही थी, क्योंकि गर्म बहुत था ना, मैंने गर्म ही गर्म निकाला था। मुझे रेस्ट करने, मतलब मैंने इसको रेस्ट करने नहीं दिया था केक को बिल्कुल भी। तो बस ये देखिए केक हमारा निकल चुका है और बहुत ही अच्छा बना था। इसको मैं ठीक से कर देती हूँ, मतलब बीचों बीच कर देती हूँ। तो ये देखिए केक बन के हो चुका था रेडी और बहुत ही स्पंजी बना था। जब मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा। और ये देखिए कटोरा एकदम ही नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा निकल आया है। तो बस केक हो चुका है रेडी, उधर हमारी चॉकलेट भी हो चुकी है एकदम रेडी, जो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो चलिए वो लगा लेते हैं चॉकलेट इसके ऊपर। तो अगर और अच्छे से पीहू बनाना होता तो मैं इसके लिए थोड़ी सी, मतलब वाइट क्रीम जो होती है ना, मैं वो भी लेकर के आती, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और घर में पड़े ही सामान से यूज़ किया था। वो तो दो डेयरी मिल्क की चॉकलेट मेरे पास पड़ी थी, मैंने पहले ही ला के रखी हुई थी कि चलो पीहू को, बच्चों का खाने का मन होता ही रहता है ना, तो कभी निकाल करके उसको दे दो। तो फिर वो मेरे काम आ गई। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, ये दो तो डेयरी मिल्क की चॉकलेट हैं 10-10 वाली, और उसके साथ में ही जो मतलब जो पीयू आपका हॉर्लिक्स केक पीती बन है, सॉरी गया बॉर्मिटा पीती है, तो बॉर्मिटा को अगर ना उसका डब्बा हम हिलाएंगे तो ऊपर ऊपर थोड़े मोटे मोटे से वो चॉकलेट टाइप का आ जाता है। तो मैंने ना एक चम्मच वो भी डाला है इसमें, जो बहुत ही मोटे, जो एकदम मतलब पिसा हुआ नहीं होता है, पाउडर जैसा नहीं होता, जो मोटे मोटे चीनी के दाने से भी बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया था। तो उससे थोड़ा सा जो पेस्ट है वो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, अदरवाइज दो डेयरी मिल्क का जो चॉकलेट का पेस्ट था वो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ करते हैं। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही करके और केक बन गया था और बहुत ही अच्छा बना था। मैं नेक्स्ट टाइम, तो मतलब अभी तो कोरोना का इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो बाहर नहीं जा सकते, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो और थोड़े मतलब सामान ला करके रख लूँगी और फिर मैं ट्राई करूँगी। जो फर्स्ट टाइम अच्छा बन गया तो सेकेंड टाइम और भी अच्छा बनेगा। सामान ना होने की वजह से थोड़ा सा हो गया, नहीं तो इसके ऊपर वाइट क्रीम होती तो इसको डेकोरेट करती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन चलिए बहुत अच्छा बना था यार फिर भी। तो ये देखिए हमारा यम्मी सा चॉकलेट केक बन के हो चुका है रेडी। तो इसको मतलब ठंडा करके अगर थोड़ी देर फ्रिज में रख करके इसको सेट होने के लिए रखेंगे ना, तो ये और अच्छा मतलब लगता, देखने में भी अच्छा लगता, लेकिन अभी तो बस जस्ट गर्म ही गर्म है। और गर्म ही गर्म मैं इसको कट भी करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ना ही मुझसे वेट हो रहा है और ना ही मेरी पीहू से वेट हो रहा है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा केक, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा अगर आपको भी अच्छा लगे तो। तो चलिए अब मैं इसको करती हूँ कट। पीहू मेरी कह रही थी कि मम्मी इसमें कैंडल लगाओ, वो सोच रही थी बर्थडे है इस वजह से मैंने बनाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो सोचा चलो घर पे हैं सब लोग तो कुछ नया ट्राई करते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ अलग अलग टेस्ट का होना चाहिए।
उनका भी मन बहलता है, उनको भी खाने में अच्छा लगता है ना। और बाहर का तो भी खा नहीं सकते, तो ये मैंने एक छोटा सा पीस कट किया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कितना स्पंजी बना था और अंदर से भी कितना ही अच्छा बना था, ये बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए बहुत ही स्पंजी बना था गाइस, ये छोटा सा पीस मैंने कट करके दिखाया है। और अभी मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए नहीं रखा था, अगर मैं सेट होने के लिए रखती ना तो और अच्छे से ही हो जाता। आइए आप सब भी इंजॉय करिए आ करके, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो अब मैं आपको बड़ी सी पीस कट करके दिखाती हूँ, वो छोटे सी पीस से तो नहीं हो पा, मतलब समझ में नहीं आ रहा था उतना, मैं बड़ी सी पीस कट करती हूँ और उसके बाद ये पीस मैं और पीहू दोनों खा के ख़त्म कर देंगे, इसी वजह से मैंने इतनी बड़ी पीस कट करी थी। तो गाइस ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है, और देखिए कितना ही स्पॉन्जी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। ऊपर से जो चॉकलेट लगा दी है ना, उससे तो और भी प्यारा लगने लगा है। अब बस पहले मैं पीहू को खिलाती हूँ, टेस्ट कराती हूँ कैसा है, तो वो आप सबको बताएगी कि कैसा बना है। तो उसने थम्स अप दिया है, आप सब भी दीजिएगा, तो उसको तो बहुत ही अच्छा लगा। और केक खाने के बाद पीहू मैडम आ गई थी यहाँ पे आराम से अपना सारा सामान बिखेर करके खेलने के लिए, तो मैंने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी ले लेते हैं। तो वो भी अपना केक बना रही है, जैसे मुझे देख करके आई थी ना, मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो बस उसने भी अपने सारे गैस वैस सारी बिखेर के रख रही हुई है यहाँ पे, और वो भी बनाने में लगी हुई है अपना केक। और मैंने आटा गूंथा था ना, तो थोड़ा सा आटा लेकर के हमेशा ही आ जाती है और बनाने लगती है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग और मेरा केक? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और मेरे केक को और मेरी पीहू को एक लाइक दे करके ही जाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।